शहर में दीपावली के तीसरे दिन राम रामसा के मौके पर बुधवार को शहर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। नरसिंह गली स्थित नरसिंह मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के व्यंजनों तथा सब्जियों से तैयार किए गए अन्नकूट को भगवान को भोग लगाया गया तथा भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन करते हुए प्रसाद प्राप्त किया। ठाकुर जी महाराज के गर्भगृह को फूलों से सजाया गया, साथ ही 56 भोग की झांकियां भी सजाई गई। इस दौरान ठाकुर जी महाराज के 56 भोग की झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी महाराज की सजाई गई 56 भोग की झांकी के दर्शन कर धर्म लाभ उठाया। बाद में भगवान नरसिंह की महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के बाद अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान नरसिंह मंदिर में दिन भर भक्तों का हुजूम ठाकुर जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। इसी प्रकार शहर के टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर में भी बुधवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर माता जी के मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद तैयार किया गया। दोपहर में आशापुरा माता की आरती तथा दर्शन के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। माता जी के मंदिर में प्रसाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर प्रसाद प्राप्त किया। शहर के सूरजपुर गेट बार स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भी बुधवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में अन्नकूट प्रसाद तैयार कर श्री बांके बिहारी जी को भोग लगाया गया। इस दौरान महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाआरती के पश्चात अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद प्राप्त करने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।